हाल ही में ऐश्वर्या शर्मा ने गुम है किसी के प्यार में शो छोड़ दिया है। वो पाखी का किरदार निभा रही थी, अब ऐश्वर्या नए अवसर की तलाश में है और आगे बढ़ना चाहती हैं। हालांकि ऐश्वर्या शर्मा के इस तरह बीच में ही सीरियल को छोड़ देने पर फैंस काफी ज्यादा हैरान और परेशान है, क्योंकि ऐश्वर्या शर्मा का नेगेटिव रोल दर्शकों को बेहद पसंद आता था। पर अब इनकी फेवरेट ऐश्वर्या शर्मा सीरियल में नजर नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ऐश्वर्या शर्मा वो पहली अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने सीरियल को अचानक ही बीच में छोड़ा है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अपने पॉपुलर टीवी शो को बीच में ही छोड़ दिया है। पर आखिरकार कौन से है वो सितारे, अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, गश्मीर महाजनी। गश्मीर महाजनी को इमली से पॉपुलैरिटी मिली थी, उनकी इमली के साथ जोड़ी काफी पसंद की गई, लेकिन एक्टर ने अचानक शो से किनारा कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स उनकी कुछ कंडीशन नहीं मान रहे थे। नंबर दो, प्रियंका चौधरी। उड़ारिया फिल्म एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी ने भी उड़ारिया सीरियल को बीच में ही अलविदा कह दिया था, क्योंकि इन्हें एक एजेंट माँ का किरदार निभाना था जिसके लिए ये बिल्कुल भी राजी नहीं थी, और फिर इन्होंने एंट्री ली बिग बॉस 16 में। नंबर तीन, दिशा वकानी। दिशा वकानी ने 2017 में मैटरनिटी लीव लेकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को गुड बाय कह दिया था। पहले तो उनके लौटने की उम्मीद थी, लेकिन 2022 में दूसरी बार मां बनने के बाद दिशा ने हमेशा के लिए शो को छोड़ दिया। नंबर चार, धीरज धूपर। सालों तक कुंडली भाग्य में करण के किरदार में नजर आए धीरज धूपर ने भी पिछले साल शो को छोड़ दिया। इसके बाद वो झलक दिखला जा 10 में दिखाई दिए। नंबर पांच, अंकित गुप्ता। उड़ारिया फिल्म एक्टर अंकित गुप्ता ने भी अपने पॉपुलर टीवी शो उड़ारिया को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि सीरियल में इन्हें एक एजेंट पिता का रोल निभाना था जिसके लिए अंकित गुप्ता बिल्कुल भी राजी नहीं थे। नंबर छह, फरमान खान। अभिनेता फरमान खान ने भी अपने सीरियल इमली को बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि सीरियल में लीव आने की वजह से इन्हें एक एजेंट पिता का रोल निभाना था और फरमान खान इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, और इसलिए अब फरमान खान कलर्स टीवी के सीरियल प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी में नजर आ रहे हैं। नंबर सात, सुम्बुल तौकीर। अभिनेत्री सुम्बुल तौकीर ने भी अपने फेमस सीरियल इमली को बीच में छोड़ दिया था। सभी इनकी एग्जिट से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि सभी इमली को बेहद पसंद जो करते थे, लेकिन इन्होंने सीरियल में आने वाली जनरेशन लीव की वजह से सीरियल को बीच में ही छोड़ दिया और बिग बॉस 16 में एंट्री कर ली। नंबर आठ, शक्ति अरोड़ा। अभिनेता शक्ति अरोड़ा ने भी कुंडली भाग्य सीरियल को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि इस सीरियल में इन्हें एक एजेंट पिता का किरदार निभाना था और शक्ति अरोड़ा इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, जिस वजह से शक्ति अरोड़ा ने भी इस सीरियल को बीच में ही छोड़ दिया। वो क्या लगता है, क्या इन सितारों ने अपने एक पॉपुलर टीवी शो को बीच में छोड़कर सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।